हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो दोस्तों आपको इस तरीके की गलती अपने चैनल पे नहीं करना है। दोस्तों, दो गलती मैं अपने चैनल पे किया था जिसके वजह से मेरा जो चैनल है अभी के टाइम पे फ्रीज हो चुका है। दोस्तों, इन दो गलती के वजह से ही मेरा चैनल जो है फ्रीज हुआ है। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ मेरा जो चैनल है उसको अनफ्रीज करने के लिए। तो दोस्तों, अनफ्रीज आप कैसे कर सकते हो और आपका चैनल कब फ्रीज होता है? दोस्तों, अगर आप इन दो गलती को अपने चैनल पे करते हो तो 100% आपका चैनल जो है वो फ्रीज हो जाएगा। दोस्तों, मेरा चैनल अभी के टाइम पे बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। फ्रीज दो कारण से ही आपका चैनल जो है वो फ्रीज होता है। दो कारण आपका चैनल को फ्रीज करने के लिए काफ़ी होता है। तो दोस्तों, दो गलती क्या है जिससे कि हमारा जो चैनल है वो फ्रीज हो चुका है, जो गलती आपको नहीं करना है। दोस्तों, सबसे पहला गलती, अगर आपका एक YouTube चैनल है तो दोस्तों आप क्या करते हो, आप अपने चैनल पे क्या करते हो, एक समय आप कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करते हो, उसके बाद अगर आप कभी भी क्या करते हो, एक टाइम के लिए गैप कर देते हो। गैप कैसे करते हो? जैसे कि मैं गलती को किया हूँ, मैं पहले क्या करता था, कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करता था, हर रोज़ वीडियोस अपलोड करता था। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो उसके बाद मैं गैप लेना स्टार्ट कर दिया। गैप कैसे लेता था, अगर कोई वीडियोस अपलोड करने जाता था, अपलोड करने के लिए वीडियोस बनाने जाता था तो मेरा कंटेंट मेरे पास नहीं था, जिसकी वजह से मैं क्या किया था कि एक दिन बाद वीडियोस डाल दूंगा, दो दिन बाद वीडियोस डाल दूंगा, जिससे कि ऐसे करके कभी कभी 15 दिन गैप हो जाता था और कभी कभी 2 दिन गैप हो जाता था, जिसके वजह से मेरा जो चैनल जो धीरे धीरे फ्रीज होता गया है और अभी के टाइम पे बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस तरह की गलती करते हो, अगर आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो और आप कुछ टाइम बाद कंटिन्यू काम करने के बाद उसके बाद धीरे धीरे आप गैप ले रहे हो कि मैं एक दिन बाद वीडियोस अपलोड कर दूंगा, और आप सोच रहे हो एक दिन आपने गैप ले लिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि चलो आज भी वीडियोस नहीं बनाते हैं, कल के बाद वीडियोस अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आपने 2 दिन गैप ले लिया। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू वीडियोस अपलोड कर रहे हो और गैप लेते जा रहे हो तो उससे आपका चैनल को बैड रिएक्ट पड़ता है, बैड इम्पैक्ट होता है, जिसके बाद आपका चैनल जो है वो धीरे धीरे डेड होता जाता है, फ्रीज होता जाता है। तो दोस्तों, और एक गलती क्या है जिसको आपको अपने चैनल पर नहीं करना है, वो है दोस्तों आपको अपने चैनल के हिसाब से वीडियोस बनाना है, अपने चैनल के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से वीडियोस बनाना है। वो कैसे दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एक नीच पे तो वीडियोस बनाते हैं, कुछ दिन तक एक नीच पे वीडियोस बना लिए हैं, उसके बाद उनका कोई वीडियोस वायरल हो चुका है, कोई वीडियोस पे जो है लगातार सब्सक्राइबर आ रहा है और उनका उन्हीं सब्सक्राइबर से उनका चैनल जो है मोनेटाइज हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग कंटेंट को चेंज कर लेते हैं, दूसरा कंटेंट अपने वीडियोज़ को अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो उससे क्या होता है, आपका चैनल को बैड रिएक्ट पड़ता है। जैसे कि मैंने उस गलती को किया हूँ, मैं पहले क्या करता था, टेक रिलेटेड कोई वीडियोज़ बनाता था, उसके बाद मैं क्या कर लिया हूँ, YouTube रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो उससे क्या हुआ है दोस्तों, पहले जो सब्सक्राइबर आया था उन लोगों को मेरा जो YouTube रिलेटेड वीडियो वो पसंद ही नहीं है, उनको देखना ही अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोग क्या करते हैं वीडियोस को नहीं देखते हैं। उन लोगों के पास नोटिफिकेशन तो जाता है मगर वीडियोस को ही नहीं देखते हैं, ऑडियंस वीडियोस को ही नहीं देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जिस भी रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, चाहे आप कुकिंग का बनाते हो, चाहे गेमिंग का बनाते हो, चाहे आप जो भी ब्लॉगिंग बनाते हो, तो आपको उसी रिलेटेड वीडियोस बनाना है, तभी जाके आपका जो है धीरे धीरे ग्रो होगा, नहीं तो धीरे धीरे आपका चैनल जो है वो फ्रीज होता जाएगा। दोस्तों, मैं इस तरीके गलती किया हूँ जिसके वजह से मेरा चैनल जो है फ्रीज हो चुका है। अगर आप अपने चैनल को फ्रीज नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो दो गलती के बारे में बताया हूँ उस दो गलती को आपको अपने चैनल पर नहीं करना है, जिस गलती की वजह से मेरा जो चैनल है अभी के टाइम पर बिल्कुल डेड हो चुका है। दोस्तों, आपको इस गलती को नहीं करना है। तो अनफ्रीज आप कैसे कर सकते हो, अगर आपका चैनल फ्रीज हो चुका है तो आप अनफ्रीज कैसे कर सकते हो? तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको जो भी रिलेटेड आप कंटेंट बनाते हो, चाहे आप कुकिंग का बनाते हो, डांसिंग का, कुछ भी रिलेटेड आप चैनल पे वीडियोस बनाते हो, तो आपको देख लेना है लास्ट 28 दिन में कितना ज़्यादा कौन सा वीडियोस पे व्यूज आया है, तो उस रिलेटेड आपको क्या करना है, कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करना है, तभी जाके आपके चैनल पे वीडियोस पे व्यूज आएगा, वरना नहीं आएगा। आप लोग क्या करते हो, कंटेंट को अलग कर देते हो, कंटेंट अलग नीच पे वीडियोस बनाने लग जाते हो। आप टेक रिलेटेड वीडियोस बनाए हो, उसके बाद आप क्या करते हो, टेक रिलेटेड आपका वीडियोस बना के चैनल मोनेटाइज हुआ है, उसके बाद आप ब्लॉगिंग
रिलेटेड वीडियोस बनाते हो तो उससे क्या होता है, आपका चैनल धीरे धीरे फ्रीज होता जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल पे इस तरह दो गलती जो है इसको नहीं करना है। अगर आपने इस दो गलती को कर लिया है तो आपको डेली कंटेंट अपलोड करना है, और आपको जिस भी रिलेटेड आप कंटेंट बनाकर अपना चैनल को मोनेटाइज किए हो, ग्रो किए हो, तो उसी रिलेटेड कंटेंट आपको बनाना है। तभी जाके लोग आपके वीडियोस को देखेंगे, ऑडियंस आपके वीडियोस को देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। क्योंकि ऑडियंस के पास तो आपका वीडियोस का नोटिफिकेशन जाता है, मगर आपका वीडियोस को देखता ही नहीं है, क्योंकि उनका उस ऑडियंस को आपका उन वीडियोस पे इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका वीडियोस को देखना ही नहीं चाहते। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप जिस भी वीडियो से ग्रो हुए हो, आपका चैनल ग्रो हुआ है, तो उसी रिलेटेड आपको वीडियोस बनाना है। तभी जाके आपका चैनल जो है वो बैलेंस रहेगा, आपके चैनल पे धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। दोस्तों अगर आपका चैनल फ्रीज हो चुका है तो आप लोग जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। अपने चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पे जाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी तरीके का यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे लाता रहता हूं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।